पार्षदों ने मुझे बात रखने के लिए बोला था, हाउस की मीटिंग का पुराना सारा मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों के सामने आया था। हाउस की मीटिंग में भी वो बिल ना पाकर लेटर पैड ही मिली, जिसका मैंने विरोध किया था और जिसके कारण एक साजिश के तहत मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और वो बिल भी जो 6 महीने अधिकारी रहे यहाँ नगर परिषद का, पूरा स्टाफ था, सीनियर थे, अधिकारी थे, जो ईओ एमई सेक्रेटरी, उनके ट्रांसफर के बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। 54 लाख रुपए की राशि 2 फर्मों का नाम लेके मिली भगत करके फर्मों को दी हुई है नाम। और मैंने एज ए लाइट इंस्पेक्टर नगर परिषद कैथल में कार्यरत था मैं, जो कि एक साजिश का शिकार हुआ हूँ। नगर परिषद में कार्य के दौरान जो जिन अफसरों के साथ मैं काम कर रहा था, उस दौरान हमारे यहाँ 2 एजेंसियाँ शहर में जो स्ट्रीट लाइट हैं जो व्यापक एरिया में फैली हुई थी, उनका रखरखाव का कार्य देख रही थी, जो कि नाम की एजेंसी थी, और सारे का सारा काम जितना भी रिपेयर का होता था वो कार्यालय आधार पर होता था। लेकिन जनवरी 2021 में चेयरपर्सन हिमांशु लाटका के ऑफिस में कुछ व्यक्ति बैठे थे जो अपने आप को ठेकेदार कह रहे थे और जो लेटर पैड लिए हुए थे और उस पर लाइटों की संख्या विवरण दिया हुआ था। लाइटों की संख्या अलग अलग थी, अलग अलग उसमें कोई सोडियम थी, कोई CFL थी, ऐसे लाइटों की संख्या थी। तो मुझे बुलाया गया, हिमांशु लाटका ने एक फाइल मुझे दी कि आप इस पर साइन करो। मैंने उनको बोला, सर इसका कोई आधार नहीं है हमारे कार्यालय के हिसाब से, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना इनका कोई रखरखाव का रिकॉर्ड है। उस दौरान हमारी बहस हुई, मैंने लिखित में शिकायत उस समय के DC अपने सुजान सिंह जी और EO अशोक कुमार जी और DMC साहब उनको मैंने लिखित में शिकायत दे दी थी कि सर आज कार्य के दौरान मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। उस शिकायत पे कार्रवाई चल रही है और SDM महोदय के वो शिकायत जांच के अधीन है। लेकिन अलग से शिकायत एक शहरवासी ने लगाई थी, उसमें भी सेम शिकायत थी। उसमें वो बात साबित होगी जो उसमें जांच के दौरान तथ्य पाए गए, नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने जो तथ्य उसके सामने दिए, वो बिल ना होकर केवल लेटर पैड मात्र हैं और लेटर पैड केवल अपनी कोटेशन के लिए या अपना किसी काम के ब्रीफ के लिए दिया जाता है। बिल जो एक बिल का फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटर GST, स्टेट GST होता है, और जो अपने काम का कितना काम किस फर्म ने किया है, उसकी क्या कीमत बनती है, कितना अमाउंट बना, उसके बाद GST काउंट होता है। ऐसे वो बिल नहीं पाए गए, केवल लेटर पैड को आधार बना के, जिस पे सिर्फ लाइटों का विवरण है और उसको आधार बना के, और वो बिल भी जो 6 महीने अधिकारी रहे यहाँ नगर परिषद का, पूरा स्टाफ था, सीनियर थे, अधिकारी थे, जो EO एमई सेक्रेटरी, उनके ट्रांसफर के बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और इसमें मार्च 2021 में हाउस की मीटिंग थी, वहाँ ये मुद्दा उठा, पार्षदों को शिकायत के बाद विश्वास हुआ, वहाँ पार्षदों ने मुझे बात रखने के लिए बोला था। हाउस की मीटिंग का पुराना सारा मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों के सामने आया था। हाउस की मीटिंग में भी वो बिल ना पाकर लेटर पैड ही मिली, जिसका मैंने विरोध किया था और जिसके कारण एक साजिश के तहत मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और आज के कुछ बिल थे और कितने वो इन्होंने रख रखाव के नाम पर 54 लाख रुपये की पेमेंट, 54 लाख रुपए की राशि 2 फर्मों का नाम लेके मिली भगत करके फर्मों को दी हुई है, और जिसमें अगर हम जांच करेंगे उसके काम का आज भी कोई आधार नहीं है नगर परिषद के पास, एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं है रिपेयर का, क्योंकि रिपेयर और रखरखाव का ये काम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति रखरखाव का काम करता है शहर में, प्रतिदिन शिकायतें आती हैं, महीने में वो शिकायतें काउंट होती हैं, कितनी शिकायत उसने रिपेयर करी, कितनी रह गई हैं और टोटल लाइटें शहर में कितनी, उस आधार पर बिल बनते हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया लेटर पैड में नहीं है। आप कब से कब तक काम कर रहे थे नगर परिषद? मैं दिसंबर 2019 से 4 अप्रैल 2021 तक कार्यरत रहा हूँ। तो इसी के दौरान जो घोटाले हुए, वो इसी बात कर रहे हैं, उससे पहले की? इसी के दौरान घोटाले हुए हैं और हमारे ऊपर प्रेशर था, मेरी शिकायत में भी स्पष्ट है, वो शिकायत जांच के अधीन है SDM महोदय के, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि बिना काम हुए बिल बनाने का प्रेशर सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। मैंने उसमें मना कर दिया था, जिसके कारण फिर मैं इन्होंने मुझे अपना टारगेट किया और टारगेट के दौरान इन्होंने मुझे निकाल लिया। इस बारे शिकायत की गई थी, ADC साहब द्वारा इंक्वायरी की गई थी। ADC साहब की इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि उसमें रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और उस वजह से कौन कौन इसमें दोषी हैं ये क्लियर नहीं है। अभी ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें नाम मांगे गए हैं, अभी विस्तृत जाँच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन दोषी है। वो मैंने जो रिपोर्ट है नीचे MA सुमित को दे दी है कि एक बार पूरे रिकॉर्ड को एग्जामिन करके बताए, ज़रूरत है तो उच्च अधिकारी उसमें जांच करेंगे और ज़रूरत हुई उसमें क्लियर हुआ तो मैं अपनी रिपोर्ट उसमें भेज दूंगा। सर मामला बिल्कुल साफ है, DC द्वारा जांच में गिल्टी होल्ड किया गया है, सिर्फ अधिकारियों के नाम मांगे और टाइम पीरियड आपको पता है कि उस टाइम पीरियड में वो अधिकारी, तो फिर क्यों नहीं आपके कार्यालय द्वारा नाम दिए जा रहे?
देखो उसमें रिकॉर्ड के मुताबिक जब नाम देने हैं तो 3-4 दिन का वर्किंग डे का टाइम चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से बिजी होने की वजह से हम 3 दिन में नहीं भेज पाए, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी इस मामले में जांच पड़ताल करके उनके नाम भेज दूंगा। सर ये जो लेटर है नोटिफिकेशन कब आया आपके कार्यालय? अभी मेरे ख्याल से ये बुधवार वीरवार को आया, इससे पहले भी रिमाइंडर आ चुका है। वो मेरे संज्ञान में नहीं है। दो रिमाइंडर आए हैं सर कोई? मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले आया था, और मैं इसी हफ्ते ये नाम भेज दूंगा।